हिस्ट्री ग्यारहवीं का छठवा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आज तो एलेवेंथ क्लास की हिस्ट्री फाइन आर्ट्स की स्टडी है इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसको आप बिल्कुल भी यू के नॉट टेक अ रिस्क ऑफ लीविंग दिस बुक ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इससे संबंधित सवाल आते रहे हैं लगातार रिसेंटली 2019 में जब सवाल आया था कल्याण मंडपम के बारे में पूछ लिया था इस तरीके से टेम्पल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको बहुत जगह देखने मिलेंगे पेंटिंग से संबंधित बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो पूछ लिए जाते हैं दो हज़ार में पूछ लिया गया था ये जो किशनगंज पेंटिंग है या फिर बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किस स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है तो पेंटिंग्स की जानकारी मंदिरों की जानकारी और टाइप ऑफ टेम्पल्स की जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है इसी वजह से ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण है देखते हैं ओवरव्यू में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा पहले हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे शुरुआती टेम्पल्स कैसे बने थे उसकी बात करेंगे हिंदू टेंपल्स का बेसिक फॉर्म कैसा हुआ करता था क्या एक हर चीज़ का एक बेसिक फॉर्म होता है जैसे इंसान का बेसिक फॉर्म है कि सर होगा उसके बाद देखेंगे आप तो कंधे से हाथ जुड़े होंगे कंधे से पैर नहीं जुड़े होंगे उस तरीके से इंसान का बेसिक फॉर्म है भले उस पर कलर रेस प्लेस ऑफ ओरिजन अलग हो सकता है लेकिन जो उसका बेसिक फॉर्म है वो सेम रहने वाला है तो वो हिंदू मंदिरों का किस तरीके से होता था वो देखेंगे स्कल्पर्स के बारे में जानेंगे आइकनोग्राफी जो आइकन्स होते हैं जो आइडल्स होते हैं उनकी स्टडी करी जाएगी ऑर्नमेंटेशन किस तरीके से उनको सजाया जा रहा है ज्वेलरी यूज करके या फिर जो कार्विंग्स हो रही हैं फूल पत्तियां यूज करी जा रही हैं किस तरीके से उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है नागरह स्टाइल जो नॉर्थ में है नॉर्थ के मंदिर बनाने में यूज होती है उसकी जानकारी लेंगे फिर जरा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल वेस्ट और ईस्ट इंडिया के मंदिर देखेंगे आसाम बंगाल उड़ीसा में किस तरीके से तब्दीली आई पहाड़ में किस तरीके के मंदिर बन रहे हैं और फिर हम चलेंगे दक्षिण में साउथ में और साउथ इंडिया के मंदिर देखेंगे डेन में किस तरीके से एक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको नॉर्थ और साउथ का दोनों स्टाइल्स को कंबाइन करके डेकिन के मंदिर बनाए जाएंगे इसके बाद हम बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स की भी बात करेंगे महाबलीपुरम एज ए किड्स के स्टडी पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे और कैलाश में जो रावण माउंट कैलाश को शेक कराए इस तरीके की चीज दिखाई गई है रिप्रेजेंट करी गई है उसको स्टडी करेंगे जो लक्ष्मण टेम्पल है खजुराओं के उसको भी काफी बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे तो महत्वपूर्ण अगर मंदिरों की बात करें तो वो आपको इस मैप से समझ में आ जाएंगे बहुत सारी जगहें जो हैं वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक से एक मंदिर आपको देखने मिलते हैं हम एक एक करके सारे मंदिरों को स्टडी करेंगे सारे मंदिरों की बात करने वाले हैं नॉर्थ में भी हम बात करेंगे नॉर्थ में किस तरह की डिज़ाइन है फिर साउथ और बीच में फिर डकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है क्या हमें जानकारी कहां से मिल रही है टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में सही मायने में हमें टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में जो भी रिमेन्स हैं जो भी बच्चों कुचे टूटी फूटी जगहें हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि एंशंट और मिडिवेल इंडिया में किस तरीके के मंदिर बनाए गए या फिर किस तरीके का आर्किटेक्चर था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में सही मायने में सबसे ज्यादा हमें रिलीजियस नेचर की इंफॉर्मेशन मिलती है अब रिलीजियस नेचर की इंफॉर्मेशन मिलने के बहुत सारे कारण हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसको पत्थरों का बनाया जा रहा है और आपको पता है पत्थर की जो लाइफ होती है वो कहीं ज़्यादा होती है लकड़ी या मिट्टी से हमें इंशेंट और मिडिवेल रिमेन्स डोमेस्टिक ड्वेलिंग के जो होते हैं ऐसा नहीं है कि घरों में सुंदर मूर्तियाँ नहीं बना जा, बनाई जाती होंगी या घरों को सुंदर नहीं किया जाता होगा उनकी सुंदरता नहीं बढ़ाई जाती होगी परंतु यहाँ परेशानी इतनी है कि डोमेस्टिक ड्वेलिंग्स में आप क्ले और वुड का ज़्यादा यूज करते हैं और क्ले और वुड का यूज़ करने की वजह से ये जो करिशेबल आइटम यूज़ करने की वजह से लंबे समय तक में हमें उनके रिमेन्स नहीं मिलते इस चैप्टर में हम बहुत सारे टेम्पल्स की बात करने वाले हैं जैसा मैंने आपको ओवरव्यू में बताया और फिर उसके बाद पर्टिकुलर हम बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स की भी बात करेंगे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि जो रिलीजियस श्राइन्स हैं ये मंदिरों के द्वारा बनाए जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में बनाए जाएंगे लेकिन आप ये चीज समझ के रखिए ये सारी चीजें जो भी बनने वाली हैं ये जरूरी नहीं है सिर्फ पत्थर की बनने वाली हैं ये जैसी जैसी चीजें आसपास मिलती थीं उस हिसाब से आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार इन मंदिरों को बना लेते थे इसी वजह से बहुत सारे तो इसी वजह से श्राइन्स चले गए हैं वैनिश हो गए हैं इतिहास के पन्नों में दब गए हैं या फिर कहीं खत्म हो गए मंदिरों को कहा जाता है देवालय सामान्य स्तर पे आप जानते हो देवालय हो गया देवकुला मंदिर हो गया जो कुल देवी का मंदिर होगा तो उसको देवकुल मंदिर कह देंगे कोविल देउल देवस्थानम प्रसादा इस तरीके से अलग अलग नामों से आप मंदिर को जानते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग तरीके के शब्द यूज करे जाते हैं मंदिर के लिए आप बात करें कि जो स्तूपा एक तरफ बनाए जा रहे हैं जिसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में बात कर चुके हैं कि स्तूप कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्कुल इसके बराबरी से आप देखेंगे ब्राह्मणिकल टेम्पल्स भी बनाए जा रहे हैं और इसमें आपको इमेजेस देखने मिलेंगी भगवानों की ये इमेजेस कंस्ट्रक्शन उसी टाइम पे शुरू हो गया था जिस समय स्तूप बनाए जा रहे थे जो मंदिर हैं उनकी डेकोरेशन करने के लिए भी भगवान की इमेजेस को यूज़ करा जाएगा जो भी पुरानों में गाथाएं हैं जो मिथ्स हैं उनको भी नरेट करा जाता था इन ब्राह्मणिकल रिलीजन में जिस तरीके से हमने स्तूप में बात की थी कि स्तूप में जातक स्टोरीज हैं जातक स्टोरीज को दिखाया गया है कि पूरी जातक स्टोरी किस तरीके से हैं वो सारी चीज़ें बताई हैं वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्राह्मणिकल रिलीजन की जो भी कहानियाँ हैं पुरानों में वो मंदिरों में बनाई गई हैं हर टेम्पल में प्रिंसिपल डिटी तो होगा ये एक सेंटर इमेज होगी जैसे मान के चलिए आप शिव मंदिर में जाएंगे तो शिव मंदिर में एक इमेज होगी जो भगवान की हुई भगवान शिव की होगी श्राइन को क्लासिफाई करा जाता है तीन टाइप में सबसे पहला है संधारा टाइप संधारा टाइप मतलब इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है अब ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना हमारे लिए तो प्रदक्षिणा पथ वो है जहां हम परिक्रमा लगाते हैं हमारे हिंदू जो रिलीजियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि हमें मंदिर का चक्कर लगाना है तो वो जो चक्कर लगाने वाली जगह अगर बनी है तो वो होगा प्रदक्षिणा पथ तो संधारा में क्या होने वाला है प्रदक्षिणा पथ नहीं होगा निरंधारा में क्या होगा इसमें प्रदक्षिणा पथ होगा और सर्वोत्त भद्र मतलब होगा कि आप मंदिर में कहीं से भी एंटर कर सकते हैं जनरली कुछ मंदिर होते हैं जिनमें एक दरवाजा होता है जहां से आप एंटर करेंगे लेकिन भद्र में क्या होगा हो चारों तरफ से आप मंदिर के दरवाजे में एंट्री मंदिर में एंट्री आप चारों तरफ से कर सकते हैं तो इस तरीके की तीन व्यवस्थाएं आपको समझ में आई कि मंदिर किस तरीके से संधारा निरंधारा और सर्वभद्र तो तीन प्रकार के हमने मंदिर देख लिए अब बात करें पर्टिकुलर मंदिर की तो सबसे पहले जो अर्लिएस्ट टेम्पल्स हमें मिले हैं वो हमें इरन में मिले हैं जो मध्य प्रदेश में है नचना कोठारा उदयगिरी ये जो विदिशा के पास में है भेलसा भी कहते थे जिसको पहले के समय में मॉडर्न टाइम्स में इसको भेलसा के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस पर किताबें भी लिखी गई हैं भेलसा तोपे भेलसा तोप्स करके एक किताब भी लिखी गई है इसके ऊपर जो हमारे शायद ए कि जो फर्स्ट चेयरमैन रहे उन्होंने लिखी थी इस टेंपल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल है इसमें एक वरांडा दे दिया गया है एक हॉल है और हॉल के साथ आप देखेंगे पीछे की तरफ एक श्राइन है जहां पर जो भी देवी देवता है उनकी मूर्ति रखी होगी तो ये बेसिक डिजाइन आपको देखने को मिलती है शुरुआती दौर में ज्वास टेम्पल है वहां पर सेंटर में इस तरीके की देव की मूर्ति रखी होगी जो भी भगवान होंगे उनकी मूर्ति रखी होगी यहां पर जरूरी है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट कि मंदिर बनाए तो शुरू में कैसे शुरू हुआ ये मंदिर बनाना या बेसिक डिजाइन क्या थी अब बात करें बेसिक फॉर्म्स की टेंपल की तो सबसे पहले सैंक्टम होगा गर्भगृह होगा जहां पर भगवान रखे जाएंगे समय आते आते, आते आप देखेंगे कि इसमें तब्दीलियां आती रही इसकी डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहे गर्भगृह जो है इसमें मेन आइकन आ गए उसके बाद आप देखेंगे एंट्रेंस बनाई जा रही है अब एंट्रेंस जो बनाई जाएगी उसको आप कहते हैं मंडपम हम अगर ट्रेस करने का प्रयास करें तो मान के चलिए अगर यह सैंक्टम है यह आपका गर्भगृह है तो इसके बाद इस तरीके के पिलर रूपी स्ट्रक्चर को बना दिया जाएगा यहां पर पिलर्स होंगे यह आपका मंडप हो जाता है यह आपका मंडप है और यह आपका गर्भगृह हो गया तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि मंदिर जो है सामान्यता बनाए जा रहे हैं जिसमें गर्भगृह और मंडप तो होगा जो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स होते थे जो फ्री स्टैंडिंग मंदिर है उसमें आप इस तरीके से माउंटेन रूपी एक्सपायर देखेंगे एक हेड देखेंगे उसका जहाँ जो गर्व ग्रह के ऊपर बना होता है इसको नॉर्थ में कहा जाता है शिखर और साउथ में इसी को विमाना कहते हैं अब ये विमाना जो है या द माउंट या फिर व्हीकल के नाम से इसको जाना जाता है इसमें आपको दूर से देख के समझ में आ जाएगा यहाँ पर चीफ डेटी विराजमान है यहाँ पर गर्भगृह है और इसमें चीफ डेटी है इसके साथ में क्या होगा एक स्टैंडर्ड पिलर होगा जिसके ऊपर ध्वज लगा होगा मंदिर का मतलब बिल्कुल सीध में आप देखेंगे मंदिर की सीध में ही एक पिलर होगा जिसके ऊपर झंडा लगा होगा मंदिर का और वो चीजें आपको देखने मिलती है सैमटम के सामने मेनली देखें तो टेम्पल आर्किटेक्चर में दो ऑर्डर है जैसे हमने अभी काइंट्स देखी थी संधारा निरंधारा और सर्वभद्रा उस तरीके से आप देखेंगे यहां पर नागरा और द्रविड दो तरीके हैं नागर या फिर नागरा स्टाइल जो है वो नॉर्थ में बनाने के लिए यूज होती है टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए यूज होती है और द्रवड़ा स्टाइल जो है वो साउथ में यूज होती है सबसे बेसिक चीज तो हमने समझ दी कि शिखर और विमान सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इस डायग्राम को जरा आप पढ़े तो ये देखिए अंदर गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर जो ये बनाया गया है ये जो माउंटेन जैसा पहाड़ धुपी बनाया गया है ये आपका शिखर है जिसको डेकन में या साउथ में आप देखेंगे तो विमान कहा जाता है इसके ऊपर एक अमलक होगा अमलक मतलब इस तरीके से एक बेल ये डिजाइन इस तरीके से फ्लैट बेल शेप एक डिजाइन होगी वो अमलक है और अमलक के ऊपर जो कलश रखा हुआ कलश आप समझते हैं आपने देखा भी होगा इस तरीके का एक लोटे जैसा होता है उसको आप कलश कहते हैं इसके अलावा एक और स्टाइल होती है जो कि इंडिपेंडेंट स्टाइल मानी जाती है जिसमें सिलेक्टिव चीजें नागरा और द्रविडा से लेके तैयार किया गया है उस स्टाइल को आप कहते हैं विसार या विसरा स्टाइल जो जनरली डेकन में प्रैक्टिस करी जाती है इसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी अपनी भी कुछ सब स्टाइल्स हैं जो अलग अलग ऑर्डर्स या फिर अलग अलग रूलर्स फॉलो करते थे नायक का किंग्स आएंगे वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे चालुक्य आएंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे होशालाज आएंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे इवन दो बेसिक फॉर्म तो सेम रहने वाला है लेकिन अपने हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन ये लोग करते रहते थे आप देख रहे हैं कि टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बड़ा बनता जाएगा जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी या जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जाएगी और एडिशनल ज्योमेट्रीज भी आप देखेंगे और ज़्यादा रिदमिक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे बड़ी बड़ी सीमेट्रिक दिवाले बनाई जा रही हैं निशेज बनाई जा रही हैं पर इनमें किसी के लिए भी जो फंडामेंटल प्लान है मंदिर का उसको चेंज नहीं करा जाता है वो फंडामेंटल प्लान हमेशा सेम रहेगा भले बस उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल एलैब्रेशन हो जाएंगी इतना होने लगा था अब बात करें आइकोनोग्राफी की तो जो डेटी की इमेजेस होती हैं उनकी स्टडी करने को आइकोनोग्राफी कहते हैं ये सारी जो इमेजेस हैं वो डिपेंड करती थी लोकेशन के ऊपर जैसी सोशल पॉलिटिकल या जोग्राफिकल सिचुएशन होगी जगह की उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं और इसी हिसाब से जो इमेजेस बनाई जाती थी उनमें एक डिस्टिंगटिव स्टाइल देखने मिलेगी आपको जो ऑर्नामेंटेशन होने वाला है जो स्कल्पचर्स भी बनने वाले हैं उसमें भी उस एरिया का फंडामेंटल कॉन्सेप्शन आपको देखने मिलेगा तो ये खासियत है इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि हम सेंट्रल वेस्ट ईस्ट इस तरीके से अलग अलग मंदिरों की स्टाइल को समझ रहे हैं क्योंकि लोकेशन सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अनुसार इन मंदिरों की डिजाइन भी आपको देखने मिलेगी जैसे आप देखें इमेज की जो प्लेसमेंट है इसको काफी प्लैंड तरीके से रखा जाता था जैसे मंदिर की एंट्री में आपको गॉडेसिस दिखेंगी गंगा और यमुना गंगा और यमुना जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की वो आपको एंट्रेंस पे देखने मिलेंगी जैसे आप मेन जो सैंक्टम है गर्भगृह है उसमें आप अंदर जाएंगे तो उसके पहले एंट्रेंस पे देखने मिलेंगी नगरा टेम्पल में द्वारपाल डोर कीपर्स के तौर पे आपको देखने मिलेंगे जो यूजली गेटवेज का काम करते हैं गोपुरम जो होते हैं द्रविड स्टाइल के मंदिर में उनमें अभी हम पूरा इलेबरेट स्ट्रक्चर समझेंगे कि द्रविड स्टाइल में और नगरा स्टाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है यहां पर आप इतनी बात समझिए कि द्रविड स्टाइल में जो गेटवेज होते हैं जो एंट्री गेटवेज होते हैं वहां पर आपको द्वारपाल दिखेंगे जैसे आप किसी धनी आदमी के घर जाते हैं तो उसके घर के बाहर चौकीदार खड़े होते हैं उस तरीके से इसके अलावा मिथुन भी मिथुन जो इराटिक इमेजेस हैं वो भी आपको देखने मिलेंगी कि वो भी आउट की गई हैं नवग्रह नाइन ऑस्पिशियस प्लान्स को आउट करा जाता है या फिर यक्ष यक्षीस को भी आउट करा जाता है एज गार्ड्स मंदिर को गार्ड करें इस प्रकार से जैसे ये देखिए ये जो बना हुआ है ये द्वारपाल की इमेज है और इस तरीके से द्वारपाल को कार्व करा जाता था गोपुरम के ऊपर द्रविड़ टेम्पल्स में और हमने नागर टेम्पल में देखा कि रिवर्स को आउट करा जाता था गर्भग्रह के बाहर जो मंदिर होता था जो सेंगटम है उसके बाहर की जो दिवाले हैं उस पर जिस डेटी का मंदिर है उन्हीं की डिविनिटी उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता था आठों दिशाओं में जो दिशा के देवता होते हैं अष्टधिक पाला ये आठों दिशाओं पे, जो आठों इंपॉर्टेंट दिशाएं हैं उन पे फेस करते थे जो आउटर वर्ल्ड होती थी सेंटम की उसके ऊपर बनाए जाते थे मंदिर के सबसे डरी श्राइन्स भी बनाए जाएंगे जो मेन टेम्पल है उसी के भगवान के संबंध में अगर कोई फैमिली या फिर उनके जो इनकारनेशन हैं उनने जो अलग अलग जन्म लिए हैं उनने अलग अलग जो अवतार लिए हैं उनको दिखाया जाएगा ऑर्नामेंटेशन के जो एलिमेंट्स है उसमें आप देखेंगे कि गवक्षा व्याला याली कल्पलता अमलका अमलका मैंने आपको बताया था वो जो लोटा जैसा जो अमलका होता है इस तरीके से ये होगा और इसके ऊपर जो कलश रखा रहता है जो लोटे जैसा ऑर्न जैसा दिखता है ये सारी चीज़ें रख के उसको और ज़्यादा ऑननेट किया जाता था ब्यूटीफुल बनाया जाता था और ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्टिव नेचर है जो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरीके से करी जा रही हैं जैसे आप देखें ये अष्ट दिख तो आठों डायरेक्शन को ये फेस कर रहे होंगे और मंदिर के बाहर ये बनाए जाएंगे अष्टवासुस भी कहते थे इनको जो वास्तुदेव हैं उस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता था मंदिर को उस अनुसार बनाया जाता था अब बात करें हम जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलर हो रहा है वो नागरा है नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेप्स बनाए जाते थे और स्टेप जो होता था उससे आप मंदिर के अंदर पहुंचते थे जैसे आप देखें सन टेम्पल बनाया जा रहा है यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर के अंदर जाएंगे साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको गोपुरम मिलेंगे बड़े बड़े गेट मिलेंगे और गेटवेज़ आपको नॉर्थ में नहीं मिला है नॉर्थ में सीढ़ियों वाला सिस्टम है साउथ में ये सिस्टम जो है वो गेट का बन जाता है इवन दो शुरुआती दौर में अगर जो मंदिर की बात करूं मैं तो उनमें आप देखेंगे कि सिर्फ शिखर है एक शिखर है लेकिन धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा एलेबरेशन आता है और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है गर्भगृह जो है वो जनरली नगर स्टाइल में आप देखेंगे तो जो टॉलेस्ट टावर होता था वो गर्भगृह हो जाता था लेकिन द्रविड स्टाइल में ये चीज़ फॉलो नहीं करी जाती है हो सकता है कि गोपुरम जो है वो गर्भगृह से भी ऊंचा हो जो आप विजयनगर एम्पायर की जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर गोपुरम बनाने का बहुत फैशन था या फिर राजा जो है वो गोपुरम को बड़ा से बड़ा करते जाते थे तो एक समय आ जाता था कि जो श्राइन है जो सैंक्टम है उसकी हाइट छोटी हो जाती थी इन कंपेरिजन टू तो द गोपुरम अब जरा डिस्टिंक्ट पार्ट्स की चर्चा करें तो यहां पर आप आ जाइए नीचे सबसे नीचे आप देखें जो इसका बेसमेंट है इसको आप आधिस्थाना कहते हैं अधिस्थाना के ऊपर जगती जो रेट रेस्ट प्लेटफॉर्म है ये जगती बन गया अब जगती को पर के ऊपर देखिए ये सीढ़ियों से एंट्री मार रहे हैं मतलब ये जो टेम्पल है ये नगरा टेम्पल है फिर प्रदक्षिणा पथ है मतलब ये परिक्रमा के लिए यहाँ पर जगह बनी है गोल सर्कमेम्बुलेशन के लिए जगह बनी है अर्ध मंडप है उसके बाद एक मंडप और उसके बाद महामंडप सामान्य मंदिर बनेगा तो उसमें सिर्फ एक मंडप मंडप होगा उसके बाद अंतराल है अंतराल क्या है मंडप और सैंटम जो आपका गर्भगृह है उसके बीच का जो जगह होती है उसके बीच का जो स्पेस है उसको अंतराल कहते हैं उसके बाद आएगा उर्व शिखर जो कि सेकेंडरी शिखर है ये सेकेंडरी शिखर है और फिर आएगा शिखर शिखर के ऊपर होगा अमलक और अमलक के ऊपर आपको देखने मिलेगा कलश और यही जो सबसे ऊंचा शिखर है ये गर्भगृह हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी नगरा आर्किटेक्चर सिंपल डिजाइन को और समझते हैं जरा नॉर्थ में शिखर साउथ में इसको ये विमाना कह देते हैं ये गर्भगृह हो गया ये गोपुरम जैसी जो चीज़ें इसको गोपुरम या फिर गेटवेस कहते हैं ये चीज़ आपको नॉर्थ में नहीं देखने मिलेगी गोपुरम्स में मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये जो मंदिर हैं इनका नेशन या फिर डेटी की जो फैमिली है उनसे संबंधित भी हो सकते हैं तो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है कहीं अगर डांस पेविलियन बना है तो वो नट मंदिर हो जाएगा या फिर यहाँ पर ऑफरिंग्स प्रसाद देने के लिए अगर कोई जगह बनी है तो वो भोग मंदिर हो जाता है तो अलग अलग डिज़ाइंस इस तरीके से चलती हैं जो नगरा स्टाइल के टेम्पल्स हैं उनका सब डिविजन होता है बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ द और शेप ऑफ द शिखर जैसे सबसे पहली जो डिज़ाइन है इसको लेटिना कहते हैं जिसमें सिंपल स्क्वायर मंदिर होगा और स्क्वायर मंदिर के ऊपर ये जो बनाया जाएगा ऊपर का माउंटेन शेप ये धीरे धीरे इन्वर्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा कर्व होता जाएगा और इसको आप लेटिना के तौर पे जानते हैं दूसरी स्टाइल है फमसाना इस स्टाइल की खासियत यह है कि ये जो लेटीना स्टाइल है या फिर हमारी जो रेखा प्रसाद स्टाइल है उससे छोटा होता है इसकी हाइट जो होगी शिखर की वो कंपैरेटिवली छोटी होगी और इसकी डिज़ाइन में आप देखेंगे कि ये जो स्लोप है ये सीधी सीधा ऊपर जाता है और इसमें बहुत सारे स्लैब्स का यूज करा जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे एक सिंगल पॉइंट पर जाके ये यूनिफाई कर जाता है जनरली ये जो फमसाना स्टाइल है ये मंडअप्स के लिए यूज करी जाती है और जो गर्भगृह बनाया जाता है वो बनाया जाता है रेखा प्रसाद स्टाइल से तो मंडप्स के लिए फमसाना स्टाइल का यूज करा जाएगा और जो गर्भग्रह बनाया जाएगा उसके लिए यूज करेंगे हम लेटीना या फिर रेखा प्रसाद स्टाइल ये देखें ये दस अवतार टेंपल है दस अवतार हम चर्चा करेंगे इसलिए ये देखना जरूरी है इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से इसको दस अवतार इंटरप्रिट करा गया था लेकिन सही मायने में अभी तक ये नहीं पता कि ये टेम्पल जो है वो किन भगवान को डेडिकेटेड है धीरे धीरे आप देखें जो लेटीना बिल्डिंग्स है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है सिंगल टावर की जगह आप देखेंगे कि बहुत सारे स्मॉल स्टोन टावर्स डेवलप हो रहे हैं ऐसा लगता था कि जैसे क्लस्टर ऑफ माउंटेन पीक्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और सबसे जो ऊंचा होगा वो गर्भगृह होगा और वो जनरली लेटीना स्टाइल का होता है एक और जो शब टाइप है नागारा बिल्डिंग की वो है आपकी बल्लभी टाइप वल्लभी मतलब सीधा सीधा जैसे आपने कभी देखा होगा संदूक की पेटी होती है उस तरीके का डिज़ाइन होता है वल्लभी का उसमें जो ऊपर रूप बनाया जाएगा वो संदूक की पेटी का जो हेड होता है इस तरीके से ये हेड होगा ये इस तरीके से होगा ये संदूक की पेटी आपने देखी होगी ऐसा हेड होता था मंदिर का तो ये आपकी हो गई बल्लवी स्टाइल बल्लवी स्टाइल जनरली जो बैम्बू या वुडन बैगन होते हैं आपने कभी देखा होगा बैलगाड़ी में जो वुडन बैगन लगे होते हैं पीछे जो गाड़ी में वुडन स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का मंदिर का रूफ देखने मिलता है यहां पर आप देखें ये लेटिना स्टाइल हो गई लेटिना स्टाइल के बाद आप देखें पल्लव स्टाइल जो ये है ये भी सही एग्जाम्पल तो यही दिख रहा है आपको वॉल्ट जैसा जैसे संदूक रहता है उस तरीके की डिज़ाइन ये देखिए ये, ये करवेचर है इसमें जैसे एक सी को रख दिया हो रूफ के ऊपर तो वो सी टाइप का डिज़ाइन है यहाँ पर फिर फमसाना को आप देखें तो इसकी हाइट कम रहने वाली फमसाना इस तरीके से होता है जिस वजह से इसकी हाइट कम रहती है स्लैब के ऊपर स्लैब रखते जाते हैं तो ये फ़मसाना बन गया सबसे ज्यादा हाइट जो होती है वो रेखा प्रसाद या लेटिना की होती है हमें मुख्यतः तीन क्लासिफिकेशन या सब टाइप पता चल गए नगरा टाइप के जिसमें सबसे पहले हमने रेखा प्रसाद या लेटिना की बात की उसके बाद फंसाना और तीसरा वल्लभी ये जो वैगन वॉल्ट बिल्डिंग्स है जिसको हमने अभी वल्लभी के तौर पर पढ़ा ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही चल रही है अगर हम एंशंट बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि फिफ्थ सेंचुरी कॉमन एरा से ही इस तरीके की बिल्डिंग बनाई जा रही है वल्लभी टाइप की बिल्डिंग्स हैं जैसे बुद्धिस्ट रॉक कट चैत्य हमने पढ़े हैं अगर आप उनको अंदर से ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी जो रूफ है वो वल्लभी टाइप का ही है तो इससे हमें समझ में आता है कि जो बड़े बड़े हॉल बनाए जाते थे बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स वगैरह बनाए जाते थे वो सब वल्लभी स्टाइल में ही बनाए जाते थे इंशियन टेम्पल्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया के तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीन जगह के हमें मंदिर और उनके ट्रेड्स को ऑब्जर्व करना है उनको पढ़ना है कुछ पुराने मंदिर अगर हम बात करें जो सर्वाइव कर रहे हैं वो गुप्ता पीरियड के हैं पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में जिसमें श्राइन जो है वो सामान्य है सामान्य मतलब चार पिलर के ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है मंडप जो है उसकी साइज़ जो है काफ़ी स्मॉल है पोर्च का जो एक्सपेंशन है उसमें आप देखेंगे कि सिंपल एक स्क्वायर है ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी या फिर ज़्यादा उसको ऑर्नेट नहीं करा गया है और गर्भगृह भी है वो भी एक छोटे रूम के तौर में है दो टेंपल हैं जो सरवाइव करते हैं आज की तारीख में एक उदयगिरी का टेंपल है जो कि विदिशा के बाहरी इलाकों में आपको देखने मिलेगा इसके अलावा सांची के पास में भी एक एरिया है हिंदू कॉम्प्लेक्स है जहां पर हिंदू मंदिर आपको देखने मिलते हैं इस मंदिर की खासियत क्या है कि जो टेंपल है ये पहला ऐसा टेम्पल है जिसका जो रूफ है जिसकी जो छत है वो प्लेन है मतलब इस तरीके से मंदिर बना है इसमें आपको कोई शिकर नहीं मिलने वाला है यहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आर्किटेक्चरल चेंजेस हैं वो दोनों रिलीजन्स में एक साथ आ रहे हैं जो आर्किटेक्चर टेम्पल का है वो दोनों रिलीजन का साथ ही साथ चेंज होगा डेवलप होगा बुद्धिज़्म एज एज वेल हिंदुज़्म का सांची और उदयगिरी के मंदिरों के सौ साल बाद हम देवघर में एक मंदिर देखते हैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जो अर्ली सिक्स सेंचुरी में बनाया गया था यह गजब का क्लासिक एग्जाम्पल है गुप्ता पीरियड के मंदिरों का इसको पंच यतन स्टाइल में बनाया गया अब यह पंचयतन स्टाइल क्या है इसमें पांच श्राइन होते हैं बीच में एक श्राइन होगा और इस तरीके से चार श्राइन और होंगे आजू बाजू में जो कि एनकार भी हो सकते हैं या फिर डेटी की फैमिली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी की बात मैं कर रहा था जो आपसे मैं बात बता रहा था दस अवतार टेम्पल के बारे में यहां पर आप देखेंगे कि जो टॉल एंड कर्वीनर शिखर है यह भी इसी डेट का है क्रबरेट करता है डेट से मैच करता है शिखर जो बनाया गया है वो लेटिना टाइप का बनाया गया है और इसके साथ में ये नगर स्टाइल के टेंपल का बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है शेषनाग जो विष्णु है वो इस तरीके से रिक्लाइन करें हम वापस फोटो पे चलते हैं तो हमें समझ में आएगा जिसमें शेषनाग को अनंत कहा है ये देखिए आप फोटो ये जो देवघर में मंदिर मिला है फिफ्थ सिक्स सेंचुरी में यहाँ पर शेषनाग के ऊपर ये शेषनाग जिनको अनंत कहा गया है उनके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं और ये इस मंदिर में दिखाया गया है जो हमें ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है उत्तर प्रदेश के इसके साथ में नर नारायण का मंदिर भी है जो कि ह्यूमन सोल और इटर्नल डिवाइन का एक कनेक्ट एक डिस्कशन दिखाता है गजेंद्र मोक्ष मंदिर है जो कि मोक्ष अचीव करने की स्टोरी को सिंबलाइज करता है और इसके साथ में आप देखें विष्णु ने किस तरीके से सप्रेस किया था असुरों को इसके बारे में बताया जाता है एक असुर था जो हाथी के रूप में था उसको सप्रेस करा जाता है गज मतलब होता है हाथी तो उस गज ने जब मोक्ष प्राप्त कर लिया तो गजेंद्र मोक्ष ये स्टोरी ऑफ अचीवमेंट ऑफ मोक्ष यहाँ पर इसी मंदिर में दिखाई है इसके अलावा आप देखें तो ये जो मंदिर है ये वेस्ट फेसिंग मंदिर है जिसका दरवाजा काफी बड़ा है और इसमें स्टैंडिंग स्कल्पचर्स हैं फीमेल के जिसमें गंगा और यमुना है मैंने आपको बताया था कि मंदिर का जो एंट्रेंस होगा सेंटम सेंटोरम जो गर्भगृह है उसकी एंट्री के बाहर गंगा और यमुना बनी होती है नगरा स्टाइल में विष्णु को वेरियस फॉर्म्स में दिखाया गया जो टेम्पल है उसमें विष्णु को वेरियस फॉर्म्स में डिपिक्ट करा गया है उनके अवतारों को, विश्नु को, विश्नु को, विश्नु को, विश्नु को विश्नु दिखाने का प्रयास किया है इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है इनके जो चार बाकी के सब्सिडरी श्राइन्स हैं ये भी विष्णु के अवतार के ऊपर होंगे जिसके कारण इस मंदिर का नाम दस अवतार मंदिर पड़ जाता है पर गजब की बात यह है कि अभी तक यह नहीं पता कि सब्सिडरी श्राइन्स जो हैं, वो किसके नाम पे हैं। मंदिर की दीवारों पे आपको शेषनाग देखेंगे साउथ में नर ना नारायण ईस्ट में और गजेंद्र मोक्ष वेस्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मंदिर है वेस्ट फेसिंग है जो कि बहुत ही लेस कॉमन है उस समय के मंदिर को अगर देखें तो ज़्यादातर मंदिर जो है वो ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग हुआ करते थे जिसमें अपने आप में एक अलग हट के एग्जाम्पल है इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे स्केल में मंदिर बनाए जाते हैं इस पीरियड में देवघर के मंदिर के जस्ट चार साल बाद टेंथ सेंचुरी आती है और टेंथ सेंचुरी में आप देखते हैं चंदेला किंग खजराव में मंदिर बनवाते हैं ये मंदिर जो बनाए जाते हैं आप इसमें डिफरेंस देखेंगे 400 साल में किस तरीके का परिवर्तन आता है एक तरफ देवघर के मंदिर थे जो पंचतन स्टाइल में बने थे उनमें इंटरगेट शिखर और बहुत ज्यादा ऑर्नेशन या डेकोरेशन नहीं था लेकिन यहां पर आप देखिए सीधे हाथ पे लक्ष्मण टेम्पल खजराव में यहां पर आपको ऑर्नेशन समझ में आएगा शिखर भी मिलेगा अर्धमंडप भी मिलेगा महामंडप भी मिलेगा हर चीज आपको इंटरगेट मिलेगी प्रदक्षिणा पथ भी देखने मिल रहा है स्टेयरवेज भी मिल रहा है तो इससे समझ में आता है कि चार साल में कितना डेवलपमेंट हो गया था टेम्पल आर्किटेक्चर में यहां पर लक्ष्मण टेम्पल है खजुराव में जो कि विष्णु को डेडिकेटेड है इन 954 में चंदेला किंग दंगा ने बनवाया था हाई प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया है पिक्चर में हम फिर से देखते हैं इस तरीके का हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा मंदिर बनाया गया है यहां पर सीढ़ियों से मंदिर को एक्सेस करना पड़ता है यहां पर आप देखें शिखर शिखर के ऊपर आपको अमलक मिलेगा जो कि एक वर्टिकल डिस्क है जिसमें इस तरीके की डिजाइन बनी होती है और उसके ऊपर कलश या वास रखा होता है यहां पर खासियत यह है कि लक्ष्मण टेम्पल पे डांसिंग इस तरीके से स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं ये देखिए ये जो एरिया है इस एरिया को आप कहते हैं अमलक और अमलक के ऊपर रखा हुआ है कलश और ये पूरा जो है ये आपका शिखर है अमलक और कलश तो हमें समझ में आ गए इसके अलावा अगर आप देखें तो देवघर में आपको बालकनी नहीं दिखेंगी यहां आपको बालकनी भी दिखेंगी वरान्डा भी दिखेगा मतलब काफी इलेबोरेट स्ट्रक्चर बन गया था जस्ट फोर हंड्रेड में टेम्पल आर्किटेक्चर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे थे लक्ष्मण टेम्पल के अलावा कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराओं में बना है वो अपने आप में बहुत ही गजब नमूना है क्वालिटी और इंटरकेसी का इतनी बारीकी से इसको बनाया गया है कि देखने लायक चीज़ है सेंट्रल इंडिया में सही मायने में देखें तो ये जो मासिव स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे जो भी मीडियम पीरियड के फीचर्स हैं उसको बहुत थरी, अच्छे तरीके से डिपिक्ट करते हैं तो ये कंधर कंधरिया महादेव का टेम्पल यहाँ पर आप सीधे हाथ पे देख सकते हैं एक लक्ष्मण टेम्पल हो गया दूसरा है कंधरिया महादेव यहाँ पर भी आपको स्टेयर्स मिल रहे हैं स्टेयर से आप मंदिर को एक्सेस करेंगे खजराव टेम्पल इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि टेम्पल के बाहर बहुत सारे कामुक स्कल्पचर्स बने इरोटिक्स स्कल्पचर्स बने अब ये इरोटिक्स स्कल्पचर्स जो बने हैं ये एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिखाने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड में वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर्स और जब आप मंदिर में आ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बाहर छोड़ के आनी है जो कॉस्मिक वर्ल्ड ये जो मोम आया है इन सबको बाहर छोड़ के आना है मंदिर का साथ में हिंदू मंदिरों के बाहर ये मिथुन या फिर एम्ब्रेसिंग कपल कपल गले मिले हुए इस तरीके की स्कल्पचर्स को बनाना अच्छा माना जाता है शुभ माना जाता है इसीलिए एंट्रेंस में आप देखेंगे इस तरीके के स्कल्पचर्स मिलेंगे एक्सटीरियर वॉल्स के ऊपर मिलेंगे मंडप पे मिलेंगे या फिर मेन मेन श्राइन की जो वॉल्स हैं उसमें भी मिलेंगे ये कौन मंदिर है विश्वनाथ मंदिर खजुराहों का ये भी आप सीधे हाथ पे देख सकते हैं तो इस तरीके के मंदिर चंदेला राजाओं ने बनवाए ये जो खजुराहों के स्कल्पचर्स हैं जो एरोटिक्स स्कल्पचर्स की मैं बात कर रहा हूँ यक्ष यक्षिणी या फिर मिथुन के स्कल्पचर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज्ड हैं साथ में उनको जो फीचर्स हैं बहुत ही क्लियरली विजिबल है तो बहुत ही बारीक काम किया है उनकी नाक अच्छे से विजिबल होगी चिन जो ठुड्डी होती है वो अच्छे से विजिबल है साथ में आंखें और जो आईब्रोज हैं उन पे भी बारीक काम किया गया है ज़्यादातर मंदिर जो खजुराओं के बने हैं वो हिंदू भगवानों के लिए बने हैं लेकिन इसके अलावा जैन मंदिर भी आपको देखने मिलेंगे और चौंसठ योगनी मंदिर जिसमें पर्टिकुलरली ये तांत्रिज्म से कनेक्टेड है तांत्रिक वर्षिप से कनेक्टेड है ये भी आपको देखने मिलेगा जिसमें स्क्वायर श्राइन्स हैं ये देखिए स्क्वायर श्राइन्स बने हैं सारे इस तरीके के डब्बे नंबर श्राइन्स होंगे और जो जो देवी हैं वहाँ की उनसे रिलेटेड हैं जो गॉडिसज हैं उनसे एसोसिएटेड हैं तो तांत्रिक प्रैक्टिस जो सेवनटी सेवन सेंचुरी में हो रही थी उससे भी संबंधित मंदिर आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे जो योगनी कल्ट है मध्य प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु में इसकी प्रैक्टिस चलती है उससे संबंधित मंदिर भी यहाँ पर है तो हमें इससे ये समझ में आता है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी चाहे चौंसठ योगी की बात करें या फिर ये खजुराव मंदिरों की बात करें ये सेवन्थ से टेंथ सेंचुरी के बीच में बनाई गई इससे ये भी समझ में आता है कि इन पर मौसम की और समय की मार पड़ी होगी जिसकी वजह से बहुत कम मंदिर सर्वाइव कर पाए अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अगले पार्ट में वेस्ट में जिस तरीके के मंदिर बने हैं जो वेस्टर्न इंडिया में टेम्पल आर्ट है उसके बारे में तो मिलते हैं आपसे सेकेंड पार्ट में